कुल्लू जिला में भी लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना। स्थानीय महिला अर्चना ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम में हमेशा की तरह इस बार भी बेहद खास रहा, जहां उन्होंने गांव से लेकर शहर तक, पढ़ाई से लेकर रचनात्मक सभी पहलुओं पर बात की और लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घर से काम कर रही महिलाओं को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट को लेकर भी प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति पर भी प्रकाश डाला गया है, जहां उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति का केवल भारत में ही नहीं अपितु कई देशों में प्रचार प्रसार हो रहा है और सरकार भी बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का भी जिक्र किया, जिसमें लोगों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया। हमारी संस्कृति कैसे फैल रही है, वैसे तो सनातन धर्म की तरफ जो है वो सारे सबका झुकाव अब बढ़ता जा रहा है, फॉरेन कंट्रीज का भी, लेकिन भारतीयता किस भारत और भारतीयता जो है इसकी संस्कृति किस तरह से देश विदेश में फैल रही है ये भी हमने देखा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी छोटी छोटी बातों को जो है वो हमारे आगे रखते हैं, और पेड़ों के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है हम पेड़ों की संख्या बढ़ाकर जो है अपना पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। मोदी जी की मन की बात का 116वां एपिसोड देखा हमने आज, देखा कि मोदी जी ने मन की बात में भारतीय संस्कृति के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति भारत में ही नहीं विश्व में भी फैली हुई है। उन्होंने भारत के संस्कृति के ऊपर बहुत जोर दिया है और साथ में उन्होंने पर्यावरण के बारे में भी बताया कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। छात्रा अनन्या ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम छात्रों के लिए हमेशा ही प्रेरणादायक होता है और इस बार भी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से रचनात्मक क्रियाओं में रुझान बढ़ाने और मोबाइल से दूर रहकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हमने प्रधानमंत्री के इस एपिसोड में देखा कि उन्होंने बच्चों के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली, जैसे कि बच्चों को फोन के में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना चाहिए।